आइए आज हम सुनाते हैं आपको तीन मछलियों की कहानी। एक जलाशय में तीन मछलियां रहा करती थीं, अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमती, यद भविष्य। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से अलग थे। अनागत विधाता संकट आने के पहले ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। प्रत्युत्पन्नमती की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई न कोई समाधान निकल आता है। यद भविष्य किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिया जाए, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थीं वह मुख नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधा दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की नज़र से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियाँ पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियाँ हाथ आने के कारण वो उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछली खोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछली खोर पक्षियों की चोंच में मछलियाँ दबी हुई थीं। यह देख मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वो झाड़ियों के पार जाकर जलाशय के पास पहुँच गए। वो बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है ये जलाशय मछलियों से भरा हुआ है, यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज को ग्राम घिराई है, कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बातें अनागत विधाता ने सुन ली। वह तुरंत प्रत्युत्पन्नमती और यद भविष्य के पास पहुँची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है, हमें यथाशीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। अनागत विधाता की बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमती बोली, अभी खतरा आया कहाँ है, हो सकता है कि वो आए ही नहीं। जब तक खतरा होने नहीं आएगा जब मैं जलाशय छोड़कर नहीं जाऊँगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा जलाशय मिल जाए और वो यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वो आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उन्हें जाल में फंसूँ ही ना। यद भविष्य बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसकी चली है, मछुआरों को अब आना होगा तो आएंगे ही, और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूँगी ही, मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लेखा थोड़ी बदल जाएगा। अनागत विधाता ने अपनी योजना अनुसार वहाँ से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहाँ से चली गई। प्रत्युत्पन्नमती और यद भविष्य जलाशय में ही रुकीं। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट सामने देख बचाव हेतु प्रत्युत्पन्नमती अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा किंतु उसे कोई खोखली जगह नहीं मिली यहाँ जाकर वह छुप सके। तभी एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह लाश में घुस गई और उसकी सड़ांत अपने ऊपर लपेट बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वो मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर खींचा और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर पलट दिया, तब प्रत्युत्पन्नमती सड़ांत लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल न देखकर मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसे अनुमान लगाया कि अवश्य कई दिनों पहले मरी मछली है, और उसे उसने पानी में फेंक दिया। पानी में पहुँचते ही प्रत्युत्पन्नमती तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी यद भविष्य कुछ ये बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों का विनाश निश्चित होता है।